हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली खादी हर्बल डे क्रीम के बारे में। उससे पहले गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने मत, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अपनी सारी वीडियो से अपडेट रहें, बिना मिस किए आप मेरे सारी वीडियो को देख सकते हैं। गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को सिर्फ फोटो से जज ना करें। बहुत लोग फोटो देखकर वीडियो को नहीं देखते हैं कि इसमें फोटो है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी। बहुत लोग ये सुन भी पा रहे हो कि नहीं, कि जो मैं बोल रही हूँ कि फोटो से जज ना करें। अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सिर्फ फोटो से जज ना करें। प्रोडक्ट नहीं है तो क्या हुआ, मैंने फोटो लगाया रखा, इन्फॉर्मेशन तो इसमें पूरी है ना। इन्फॉर्मेशन को जज करें और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती हुई, ताकि मैं उसको अच्छे से अगली वीडियो में सुधारूं और आपके सामने पेश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ खादी हर्बल डे क्रीम के बारे में, जिसके मार्केटिंग प्राइस है 350 रुपीज़। और अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से, कोई भी जनरल स्टोर से, एक डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह से खरीदते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपीज़। इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम। अगर आप इसको नेटमर्ट कॉम से खरीदते हैं, एक शॉपिंग चैनल से खरीदते हैं, तो आपको देने पड़ेंगे 297 रुपीज़, जिसमें आपकी पैसे की बचत हो रही है। अभी 15% डिस्काउंट करके मिल रहा है 297 रुपीज़। तो अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखी हूँ, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं उसको चेकआउट करके। अब बात करते हैं खादी हर्बल डे क्रीम के बारे में। खादी का दावा है कि ये उनकी एक क्रीम का दावा है कि वो जिसने फेस पे दाग धब्बे होते हैं, जिनके फेस पे, उसको ये कम करता है, उसको वो रिमूव करता है, उसमें रंगत लाता है और निखार लाता है, फेस के दाग धब्बे को दूर करता है और फेस पे एक अच्छा रंगत लाता है, निखार लाता है, उस प्रॉब्लम को दूर करता है जिसके फेस पे दाग धब्बे हैं और फेस पे एक निखार लाता है, अच्छी तरह फेस को क्लीन करता है और काफ़ी फेस पे लाइट आता है, काफ़ी अच्छा निखार लाता है। ये आपकी त्वचा के तेल को रिमूव करता है। ये ओली स्किन्स के लिए काफ़ी सहायक है, जिसके फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं उसके लिए काफ़ी सहायक है। जिसके फेस पे तेल होते हैं, तेल छूटते हैं, तली त्वचा जिसको बोलते हैं, तेल को रिमूव करता है, उसमें नियंत्रित रहता है, जिसके कारण फेस पे पिंपल्स नहीं होते हैं। तली त्वचा में पिंपल्स होते हैं तो तेल को रिमूव करता है तो फेस के पिंपल्स में भी कमी आने लगती है। यह तेल को कम करने में मदद करता है। तो अच्छा, निखार लाकर धूप से हुए टैन को कम करता है। गाइस, धूप से फेस डैमेज हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो फेस डैमेज हो जाता है, अगर बाहर निकलते हैं तो जो डैमेज स्किन है, जो टैन है, सन टैन, उसको ये रिमूव करता है, फेस में निखार लाता है, त्वचा को वापस वैसा कर देता है जिस प्रकार है। बहुत तो बोलते हैं कि सन से त्वचा खराब हो जाती है तो वापस उस प्रकार नहीं हो पाते हैं जो आपके पहले फेस होते हैं। तो टैन को दूर करता है, त्वचा को हाइड्रेट करता है, दाग धब्बे हैं उसको कम करता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा काफ़ी है, थोड़ा सी मात्रा अपने फेस पे लगेंगे तो अच्छे से अपने फेस पे मिल जाएगा, काफ़ी है। स्किन टेक्सचर को भी सुधारता है, स्किन टेक्सचर को सुधारने में काफ़ी हेल्प है। और कई इसकी खामियां है कि ये सन प्रोटेक्शन का ये इसमें जिक्र नहीं है। कहने का मतलब कि सन टैन को दूर करता है, धूप से आपका फेस जो ख़राब हो जाता है तो अपने फेस पे लगेंगे तो टैन को दूर करता है, लेकिन सन से प्रोटेक्ट नहीं करना। SPF के रूप में इसको नहीं लगा सकते बाहर जाते समय, इसके लिए आपको SPF लगाना पड़ेगा। जैसे कि जो भी टैन, सन से जो डैमेज स्किन हो गया धूप में आने के बाद, तो आप उसको लगा सकते हैं कि सन टैन है तो उसको रिमूव हो जाएगा, सन टैन सुधर जाएगा, तो उस ठीक है। लेकिन अगर प्रोटेक्ट करने के रूप में उसको लगाकर सन के पास जाते हैं और सोचते हैं कि ये सूर्य की किरणों से हानिकारक हो, सबके चेहरे को रक्षा करे, तो उस प्रकार से ये नहीं, इसमें SPF शामिल नहीं है, तो इस प्रकार की कोई दवा नहीं करता। तो आपको SPF लगाने पड़ेंगे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। अगर इसको कैसे अप्लाई करना है, नॉर्मली कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं, डॉट डॉट करके उस तरह अपने फेस पे अप्लाई करना है कि अपने फेस पे समा जाए। उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उससे पहले अपने हैंड को क्लीन करना है कि जितने हैंड के डॉट है वो निकल जाए, उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है कि फेस के जो भी है डॉट वो निकल जाए, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करना है जैसे नॉर्मली क्रीम अप्लाई करते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि अपने सारे वीडियो से अपडेट रहें, बिना मिस किए अपने सारे वीडियो को देख सकते हैं। गाइस प्लीज़ गाइस सिर्फ फोटो से जज ना करें, जैसे मैंने पहले बोल रख दिया, मैंने इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो में पसंद आए, प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।